बात अभनपुर की करेंगे। अभनपुर तहसील के गोबर नबापारा नगर के गंज रोड में सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य बेहद ही धीमी गति से चल रहा है। सबसे व्यवस्थित मार्ग जो 3 महीने में भी कुछ किलोमीटर तक का ही बन पाया, नगर पालिका अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती जा रही है। सड़क के ऊपर नीचे होने की वजह से मोटरसाइकिल वाले गिरते रहते हैं, तो वही सड़क के दोनों ओर गहरी खुदाई कर दी गई है जो आने जाने वालों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्वास्थ्य संवाददाता दीपक वर्मा से। दीपक, आखिर क्यों जिम्मेदार ध्यान नहीं देते? जी बताना चाहूंगा, ये सड़क जो है आज से तीन माह पहले ये सड़क निर्माण कार्य चालू किया गया है, लेकिन अभी तक ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक ही सड़क नहीं बना पाया है। इससे इसमें जिम्मेवार जो अधिकारी है नगर पालिका के, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ साथ जो जनप्रतिनिधि इनकी ओर उनकी रुख नहीं जा रही है। इनके सुस्त रवैये के कारण ही ये कार्य भी सुस्त हो चुके हैं। साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि ये जो आगे जो 1 किलोमीटर दूरी पे जो सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जो खोदे गए गड्ढे अभी तक खुला हुआ है, उसमें बड़े बड़े लोहे के राड निकले हुए, जिसमें कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। इस पर ये नगर पालिका के जनप्रतिनिधि भी इस पर कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कभी भी घटना आगे बढ़ सकती है, कभी घटना हो सकती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नगर पालिका अधिकारी बेखबर हैं, सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि सुनने को तैयार नहीं। धनेंद्र साहू क्षेत्रीय विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनेंद्र जी, स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी धन्यवाद आपका। क्या दिक्कत है सर आपके क्षेत्र अभनपुर का मामला है? सड़क निर्माण बेहद ही धीमी गति से और उस पे भी अनियमितताएं बरती गई हैं, जमकर घोटाला। देखिए, नगर पालिका एक अपना स्वायत्त प्राप्त संस्था है, ये निकाय है ये, और ये पूरी तरह से इसमें एक अलग परिषद होती है, चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, और वर्तमान में वहां पर निर्दलीय अध्यक्ष है नगर पालिका परिषद का, और बहुमत में भाजपा के पार्षद लोग हैं, और संयुक्त रूप से दोनों मिल करके वहां पर आज प्रशासन चला रहे हैं। और ये जो सड़क जिसकी बात आपने उठाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कारण जनता को काफी परेशानी हो रही है कि इतने लंबे समय निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है, गुणवत्ता का पालन नहीं हो रहा है। इसकी स्वयं शिकायत हमने भी किया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पालन किया जाए और साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लिया जाए, ताकि लोगों को जो अभी परेशानी हो रही है आने जाने में, उससे लोग बचते जा सके। इसकी भी शिकायत हम लोगों ने यहाँ पर किया है उच्च स्तरीय। और ये चूंकि अभी सीधी तरह से ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग हैं, इसमें नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद लोग हैं, और इन लोगों का पूरी तरह से उदासीनता के कारण ही और गलत कामों को प्रश्रय देने, उसका नतीजा ये है धनेंद्र जी, कि जनता परेशान हो रही है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।